नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं ये खूबसूरत सी जूती डिज़ाइन लाई हूँ। देखिए कितना सुंदर है। इसे मैंने 7 नंबर फुट साइज के लिए बनाया है। आप इसे फंदे कम करके छोटे साइज का भी बना सकते हैं। इस जूती को मैंने यहाँ से बनाना शुरू किया है और ये घूमते हुए वापस यहाँ आ गई है। एड़ी से बनना शुरू हुआ है और घूमते हुए वापस एड़ी की तरफ आ गई है। तो बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत जल्दी बन के तैयार होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इसे बनाते हैं। सबसे पहले हम 10 नंबर की सिलाई पे सिंगल वुल से 25 फंदे डालेंगे। फंदे हम किसी भी तरह डाल सकते हैं। टोटल हमें 25 फंदे डालने हैं। तो हमने 25 फंदे डाल दिए। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 और 25। और यदि हमें 5 नंबर की जूती बनाना हो तो हम 23 फंदे डालेंगे। अब हम सामने की तरफ हैं और हम सभी फंदों को उल्टा बुनेंगे इस तरह। पूरी लाइन हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे। तो हमने सभी फंदों को उल्टा बुन लिया। अब हम आ जाते हैं रॉन्ग साइड में और रॉन्ग साइड में भी हम सभी फंदों को उल्टा बुन लेंगे। यानी अब हमें दोनों साइड से उल्टा बुनना है, सामने से भी उल्टा और पीछे से भी उल्टा। तो देखिए फ्रेंड्स, दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बुनने से एक उल्टे फंदे की धारी आ गई है। अब हम दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बुनते हुए 25 धारी लाने तक बुनेंगे। यानी सामने की तरफ से हमारी 25 उल्टे फंदों की धारी आ जाए। तो 25 धारी बुन के मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, 25 धारी बन चुकी है। देखिए हम सामने की तरफ हैं और देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24 और ये एक 25। तो 25 धारियां कंप्लीट हो चुकी हैं और हम आ जाते हैं रॉन्ग साइड में। रॉन्ग साइड में हमारी 24 धारियां बनी हुई हैं। अब यहाँ पे हम अपना दूसरा कलर अटैच कर लेंगे और दूसरे कलर के ऊन से हम सभी फंदों को उल्टा बुनेंगे। इसे ऐसे लपेटते जाएंगे ताकि ये बंध जाए। देखिए फ्रेंड्स, तो हमने 24 फंदों को बुन लिया। 25वां फंदा हम नहीं बुनेंगे और यहीं से हम घूम जाएंगे। और अब देखिए, पहले वाले फंदे को हम दानी सिलाई में ले लेंगे, उनको ऐसे थोड़ा सा टाइट करके अपनी ओर करेंगे और अब शेष फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे। देखिए
देखिए फ्रेंड्स, हमने सभी फंदों को उल्टा बुन लिया। अब हम फिर आ जाते हैं रॉन्ग साइड में और अब हम अपने पहले कलर के ऊन से 23 फंदों को उल्टा बुनेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने 23 फंदों को बुन लिया। पिछली बार हमने 24 फंदे को बुना था, इस बार हम इस एक बुने हुए फंदे को भी छोड़ देंगे। अब बाएं सिलाई में हमारे पास 2 फंदे हैं और हम यहीं से टर्न कर लेंगे। पहले वाले फंदे को हम स्लिप कर लेंगे, ऊन को थोड़ा सा ऐसे टाइट करेंगे और अपनी तरफ कर लेंगे। अब शेष फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे। तो हमने सभी फंदों को उल्टा बुन लिया। अब हम फिर आ जाते हैं रॉन्ग साइड में और अपने दूसरे कलर के ऊन से। अब देखिए, इसको हम ऐसे पहले अपनी तरफ कर लेंगे, फिर अब हम दूसरे कलर के ऊन को उठाएंगे और 22 फंदों को हम उल्टा बुनेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने 22 फंदों को उल्टा बुन दिया और 3 फंदे रह गए। अब हम यहीं से घूम जाएंगे और पहले फंदे को हम स्लिप कर लेंगे, ऊन को थोड़ा सा ऐसे खींच के अपनी तरफ करेंगे और सभी फंदों को उल्टा बुन लेंगे। तो इस तरह हर उल्टे लाइन में हम एक एक फंदे को छोड़ते जाएंगे। अब काले ऊन से हम बुनेंगे, उनको पहले ऐसे अपनी तरफ कर लेंगे, अब काले वाले उनको उठाएंगे और अब की बार हम 21 फंदे को बुनेंगे। तो हम इस तरह अल्टरनेट बुनते हुए एक फंदा रह जाने तक बुनेंगे, यानी ये सारे फंदे बुन जाने चाहिए। तो मैं बुन के आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हमने एक एक करके सभी फंदे बुन लिए हैं, हमने लास्ट फंदा भी बुन लिया है, सभी फंदे बुन लिए हैं। देखिए, एकदम ऐसे तिरछी बुनाई हुई है, कटिंग जो है एकदम तिरछी हुई है। अब हम फिर रॉन्ग साइड में हैं और अब ब्लैक वाले फंदे को इस तरह करेंगे और अपने ब्लू कलर के वूल से सभी फंदों को उल्टा बुन लेंगे। इस लाइन में हमें वापस सभी फंदों को उल्टा बुनना है। देखिए, हमने सभी फंदों को उल्टा बुन लिया। अब हम आ जाते हैं सामने की तरफ। पहले फंदे को हम स्लिप कर लेंगे, उनको थोड़ा सा खींच के ऐसे अपनी तरफ करेंगे और फिर सभी फंदों को उल्टा बुन लेंगे। पूरी लाइन हमें उल्टा बुन लेनी है। तो हमने पूरा फंदे सभी फंदे उल्टा बुन लिए। अब हम आ जाते हैं रॉन्ग साइड में। अब देखिए, पहले वाले फंदे को हम उल्टा बुनेंगे ब्लैक कलर के वूल से और फिर यहीं से ऐसे पलट जाएंगे, वापस इसे बाएं सिलाई में कर लेंगे। अब इसको ऐसे अपनी तरफ करेंगे, फिर दूसरे कलर के वूल से अब की 2 फंदे हम उल्टा बुनेंगे। 2 फंदा उल्टा बुना, पहले वाले फंदे को स्लिप किया, थोड़ा सा ऐसे टाइट किया उन अपनी ओर, लास्ट एक ही फंदा है इसे उल्टा बुन लिया। फिर हम आ जाएंगे रॉन्ग साइड में, इसे ऐसे अपनी तरफ किया, ब्लैक वाले धागे को लिया, अब की हम 3 फंदा उल्टा बुनेंगे, 1
दो तीन। पहले वाले फंदे को ऐसे दानी सिलाई में ले लेंगे, बिना बुने हुए धागे को थोड़ा सा खींचेंगे, उनको अपनी ओर करेंगे और दो फंदों को उल्टा बुन लेंगे। फिर हम आ जाते हैं रॉन्ग साइड में और फिर दूसरे कलर के ऊन से अब की हम, जैसे तीन फंदे हैं तो अब की हम एक फंदा अधिक यानी चार फंदा बुनेंगे। एक दो तीन चार, पलट जाएंगे। पहले वाले फंदे को बिना बुने स्लिप कर लेंगे, उनको थोड़ा सा ऐसे टाइट करके बुन अपनी, और अब तीन फंदे हैं तो तीनों को हम उल्टा बुनेंगे। यानी जैसे जैसे जिस क्रम में हमने घटाया है उसी तरह अब हमें एक एक फंदे उठाने होंगे। अब की फिर ब्लैक कलर के उल से पांच फंदा उल्टा, एक दो तीन चार। देखिए यहाँ तक हमने बुना था, एक फंदा हम और ले लेंगे, पांच फंदा, पलट जाएंगे। पहले वाले फंदे को बिना बुने सरका लेंगे, थोड़ा सा इसको टाइट करेंगे और फिर ये चार फंदे हैं इन्हें हम उल्टा बुन लेंगे। इसी तरह धागे को हम बदलते हुए वापस सभी फंदों को हम एक एक करके लेते जाएंगे। तो जैसे हमारा इस साइड बना हुआ है उसी तरह दूसरे साइड भी बन जाएगा। तो मैं बना के आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हमने 24 फंदे तक बुन लिया है और अब हमें काले कलर के वुल से बुनना है, यानी अब हमें इस कलर का कोई काम नहीं है तो इसे हम काट देंगे। और अब हम इसको ऐसे अंदर की तरफ करेंगे और काले कलर के ऊन से 25 फंदों को उल्टा बुनेंगे और इसे ऐसे लपेटते जाएंगे ताकि ये निकले ना। तो हमें पूरे फंदे उल्टा बुन लेने हैं। सभी फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे और अब हम रॉन्ग साइड से भी सभी फंदों को उल्टा बुन लेंगे। देखिए फ्रेंड, ये इस तरह बन के तैयार हुआ है। देखिए जिस तरह ये घटा हुआ था उसी तरह हमने एक एक फंदे उठा लिए हैं और देखिए ये से खूबसूरत सा बनता चला गया है। अब हम सारे फंदे उल्टे बुनेंगे। पहला वाला फंदा ऐसे स्लिप करेंगे, उनको थोड़ा सा टाइट करके और सभी फंदों को उल्टा बुनेंगे। अब हमें दोनों साइड से उल्टा उल्टा बुनना है। जैसे हमने इस साइड बुना था उसी साइड अब हमें दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बुनकर 25 धारियां तैयार करनी है। तो मैं 25 धारी तैयार करके आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हमारा 24 लाइन कंप्लीट हो गया है। दो चार छः आठ दस बारह चौदह सोलह 18 20 22 और 24, 24 लाइन कंप्लीट हो गया है और ये 25वां लाइन है, हम सामने की तरफ है। तो अब इस लाइन में हम सभी फंदों को क्लोज कर लेंगे। क्या करेंगे, दो दो फंदों को एक साथ लेंगे और उल्टा बुनते हुए दो का एक कर लेंगे। अब फिर इस फंदे को बाएं सिलाई में चढ़ाएंगे, फिर दो फंदों को एक साथ लेंगे उल्टा बुनते हुए दो का एक।
इस फंदे को वापस बाएं सिलाई में चढ़ाएंगे, दो फंदों को एक साथ लेंगे, उल्टा बुनते हुए दो का एक। बुने हुए फंदे को वापस बाएं सिलाई में चढ़ाएंगे, दो फंदों को लेंगे, एक नेक्स्ट फंदे को ले लेंगे और दोनों को एक साथ लेते हुए एक उल्टा फंदा बनाएंगे। देखिए फंदे हमारे घटने शुरू हो गए हैं। तो इसी तरह करते हुए हम सारे फंदे को बाइंड ऑफ कर लेंगे। तो हमने सभी फंदों को बाइंड ऑफ कर लिया। अब इसको थोड़ा सा ऐसे लंबा करेंगे और इसके अंदर से धागे को निकालेंगे। अब इसे काट देंगे क्योंकि अब हमें सिलाई करनी है। टाइट कर देंगे। देखिए हमारा ये इस तरह एल शेप में बनके तैयार हो गया है। इस तरह हमारा बनके तैयार हो गया है। देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे। अब ये हमारे तली का हिस्सा है और ये एड़ी का। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। तो हमने सुई में धागा डाल लिया है और इसे उल्टा कर लिया है। आप चाहें तो उल्टी तरफ से, चाहें तो सीधी तरफ से सिलाई कर सकते हैं। और देखिए अब हम इसकी सिलाई करेंगे। तो पहले हम यहाँ पे एक दो बार पक्का कर लेंगे ताकि पहनते समय ये कटे ना। उसके बाद फिर हम सिलाई करना शुरू करेंगे। आप चाहें जैसे भी सिलाई करते हो आप कर सकते हैं। हमें यहाँ से सिलाई करना है और नीचे एक इंच छोड़ के हमें सिलाई करना है। तो मैं इतना करके आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ तक सिलाई कर दी। देखिए फ्रेंड्स, अब एक इंच तक सिलाई रह गई है। तो अब हम यहाँ पे मेथड चेंज कर देंगे। अब हम राउंड मेथड से सिलाई करेंगे, यानी ऐसे प्रत्येक फंदे में हम ऐसे एक तरफ से सिलते हुए हम घूम के वापस यहीं तक आ जाएंगे। ऐसे प्रत्येक फंदे में हम सुई डालेंगे और अब इसको हम ऐसे खींचेंगे, टाइट कर लेंगे। ऐसे पूरा टाइट करेंगे। अब देखिए एक छोटा सा हमें छेद दिख रहा है, तो इसे हम ऐसे बंद कर देंगे। अब इसको हम काट देंगे, सीधा करेंगे। तो देखिए हमारा जूता इस तरह बन के तैयार हो गया है। और अब मैं इसे पहना के दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, बन के तैयार हो गया है। अब हम यहाँ पे एक पम्पम लगा देंगे। अब हम एक छोटा सा पम्पम लेंगे और यहाँ टॉप पे इसे फिक्स कर देंगे।
तो देखिए फ्रेंड्स, हमने पम पम लगा दिया, तो कैसा लगा बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।